नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दो कलर से बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर का डिजाइन बनाने के लिए बताऊंगी। इसे आप बच्चों के स्वेटर में दीजिए, वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी इस स्वेटर को पहनेंगे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को दबा दीजिए। इससे आपको मेरे सारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे और आप अच्छे अच्छे नए नए डिजाइन सीख सकेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा डिजाइन बना करके रखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन बना लिए हैं और अब हम आपको बताएंगे कि इस डिजाइन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले फंदा डाल लीजिए, जितना भी फंदा की आपको आवश्यकता है उतना फंदा डाल लीजिए, लेकिन आप ये फंदा 6 के मल्टीप्लस पे डालिए और 4 फंदा इसमें एक्स्ट्रा डाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम 6 के मल्टीप्लस में फंदा डाल लिए हैं और 4 फंदा एक्स्ट्रा डाल लिए हैं। उसके बाद बॉर्डर बना लेंगे, जिस तरह का बॉर्डर आपको बनाना हो तो बॉर्डर बना लीजिए। और उसके बाद देखिए, एक धागा, दूसरा कलर का धागा यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम दूसरा कलर का धागा को ऐड कर लिए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम बना भी लिए हैं। तो आपको हम बताते हैं, जैसे हम नीचे बनाए हैं तो पहली सिलाई जो है 4 फंदा जो पीला जिस कलर से आप बनाए हैं बेस कलर से बुन दीजिए और 2 फंदा नया जो कलर डाले हैं उससे बुनना है। तो 4 फंदा बेस कलर और 2 फंदा नया जो कलर डाले हैं उससे बुन बुन के पूरे सिलाई में आपको इसी तरह बनाना है। और अब देखिए, हम उल्टा के तरफ से बता रहे हैं। तो उल्टा के तरफ से पहला सिलाई आप बना लिए सीधा के तरफ से, अब उल्टा के तरफ से देखिए 4 फंदा को उल्टा बना लेना है जो आगे में है सबसे शुरू में। और उसके बाद देखिए 4 फंदा बना लिए हैं यहाँ। और अब देखिए, एक फंदा जो ब्लू कलर से बुनेंगे तो ऐसे धागा को पहले इसको पलट देंगे, यहाँ क्रॉस कर लेंगे। तो ये जो है यहाँ पर हमारा जो है दिखाई नहीं देगा, छेद जैसा दिखेगा नहीं। और वो 2 कलर ब्लू बुनेंगे, फिर 4 कलर जो कलर है, जैसे हम यहाँ पीला कलर दिए हैं तो 4 पीला और 2 ब्लू। उल्टा के तरफ से भी इसी तरह हम पूरी सिलाई बुनेंगे, 2 ब्लू ब्लू के जगह में और 2 पीला पीला के जगह में। तो देखिए, यहाँ पर हम पूरी सिलाई इसी तरह बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हम पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे सीधा के तरफ से। ये हमारा तीसरा रो है और तीसरी सिलाई हम इसी तरह बनाएंगे। पहला फंदा को उतार लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, तो यहाँ देखिए 3 फंदा हो जाएगा सीधा। फिर अब देखिए, ब्लू को इधर लाना है और पीला को पीछे करना है। तो देखिए, पहले हम ब्लू को बुनेंगे, इस तरह से ब्लू में डालेंगे सिलाई को और क्रॉस करते हुए ब्लू धागा से ही हम ब्लू को बुनेंगे। देखिए, क्रॉस करते हुए ब्लू धागा से हम ब्लू को बुन लिए। और अब हम देखिए, ब्लू को पीछे हटा करके पीला को हम पीला कलर के धागा से बुन देंगे। देखिए इस तरह, अब हम दोनों फंदा को गिरा देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये पीछे हो जाएगा और ये आगे हो जाएगा। तो पीला को हम बीच में ले आएंगे और ब्लू को दोनों ओर कर देंगे। अब देखिए, दूसरा जो फंदा बनाएंगे पीछे से ऐसे डालेंगे और पीला को ऐसे पहले उठाएंगे और पीला को हम पीला से बुन देंगे। देखिए इस तरह। और अब हम ब्लू वाला में बीच से ऐसे डालेंगे और ब्लू को हम फिर से ब्लू से ही बुनेंगे। तो देखिए इस तरह ब्लू से बुन देंगे। तो अब देखिए, बीच में 2 पीला हो गया और दोनों ओर 2 ब्लू हो गया। तो इसी तरह से हम बनाएंगे। फिर देखिए, एक फंदा पीला बुन लेंगे, फिर दूसरा फंदा भी पीला बुनेंगे और अब हम यहाँ पर फिर इसको उसी तरह से करेंगे। तो इसको हम इधर पीछे की साइड लाएंगे। तो इसको देखिए, पहले ब्लू में इस तरह से डालेंगे देखिए, और इसको हम ब्लू से बुनेंगे। बुन लिए, फिर हम ब्लू को आगे खींच लेंगे उंगली से और पीला पे ऐसे डालेंगे और पीला को हम पीला से बुनेंगे। देखिए इस तरह से पीला से बुन लेंगे। फिर दोनों फंदा को गिरा देंगे
और अब देखिए पीछे से ब्लू के बगल से और पीला के बगल से बीच से ऐसे डाल के पीला में धागा को डालेंगे, सिलाई को डालेंगे और ऐसे पीला को हम देखिए इस तरह बीच से डालना है और पीला में इस तरह से डाल के पीला पहले बुन लेंगे, पीला वाला फंदा को पहले हम बुन लेंगे। उसके बाद ब्लू वाला फंदा में हम बीच से ऐसे डालेंगे इस तरह और ब्लू से बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पीला बीच में आ गया और ब्लू दोनों ओर चला गया। तो इस तरह से हमारा ये दोनों ओर बन जाएगा। इसी तरह से हम पूरे जितना भी फूल है इसी तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हम पूरा फूल बना लिए हैं, पूरी सिलाई बन कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम बनाएंगे उल्टा के तरफ से। तो उल्टा के तरफ से देखिए पहला फंदा को उतार लेंगे और जो पीला फंदा है उसको पीला से बुनेंगे और फर्स्ट में देखिए इसको हम क्रॉस करते हुए करेंगे ताकि यहाँ छेद ना हो और ब्लू को हम ब्लू से बुन लेंगे, फिर पीला को पीला से बुनेंगे और ब्लू को ब्लू से। पूरी सिलाई हम इसी तरह उल्टा से बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पूरी सिलाई बना लिए हैं और अब हम आपको सीधा से बता रहे हैं। तो सीधा से देखिए हमारा जो ये तीन फंदा है पीला का इसको हम पीला से बना लेंगे। पहला फंदा को हम उतार लेते हैं और ये तीन फंदा पीला से बना लेंगे। अब ब्लू को हम इधर करेंगे और पीला को इधर करेंगे। तो देखिए ब्लू सबसे पहले पीला को पीछे से हम डाल करके पीला से बुन लेंगे। तो ये चार फंदा हमारा पीला का हो गया। अब हम ब्लू को बुनेंगे। तो देखिए ब्लू को हम बीच से डाल के ब्लू से बुन लेंगे। देखिए तो ये ब्लू देखिए हमारा इधर आ गया और इधर जो है अब हम इसको ब्लू को पहले डालेंगे इस तरह से और पहले ब्लू को बुन लेंगे। उसके बाद अब हम उसको ब्लू को थोड़ा सा आगे हटाएंगे और पीला को पीला कलर के धागा से बुन लेंगे। तो देखिए ये दोनों जो है अब मिल गया और पीला जो है अलग हो गया। तो ये गोल गोल बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनता है। अब हम पीला को तीनों पीला को बुन लेंगे और फिर देखिए हम ब्लू को इधर लाएंगे। तो क्या करेंगे हम पहले पीछे से ऐसे डाल करके पहला फंदा में इसी तरह पीछे से डाल के पीला को बुन लेंगे पहले और उसके बाद बीच से डाल करके ब्लू को बुनेंगे। ब्लू फंदा से धागा से ब्लू धागा से ब्लू को बुन लिए और उसके बाद देखिए अब हम पीला ब्लू को इधर लाएंगे। तो पहले हम ब्लू को बुनेंगे ऐसे डाल करके ब्लू से धागा से ब्लू को बुन लिए और फिर अब हम पीला को हम पीला वाला धागा से बुन देंगे पीला से। तो इस तरह से देखिए ये दोनों हमारा बंद हो जाएगा। अब दोनों फंदा एक जगह में आ गया जैसा कि पहले शुरू में बनाए थे। तो पहला फंदा की तरह हो गया और इसी तरह से हम पूरे सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर पूरी सिलाई बना लिए हैं और इसी तरह से हम पूरी सिलाई में रिपीट करते जाएंगे। फिर हम पीछे के तरफ से उसी तरह से बनाएंगे और जब ये रिपीट कर लेंगे तो ये हमारा खूबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए आप पूरे स्वेटर में इसी तरह का दे सकते हैं। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में दीजिए, फुल हाफ किसी भी स्वेटर में दे सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा और डिजाइनदार लगता है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो का डिजाइन वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इसे आप एक बार ट्राई जरूर करें और कमेंट में हमें लिखें कि आपको और आपके बच्चों को ये स्वेटर कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।